आज हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का मतलब क्या हुआ? एगोनिस्ट एंटी एक्टिंग कोलिनर्जिक यानी कोलिनर्जिक जो ड्रग होती है उसके इनडायरेक्टली एक्ट करता है और एगोनिस्ट की तरह काम करता है। और इस एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट करना। एसिटाइल कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर का मतलब क्या हुआ? एसिटाइल कोलिन को क्या करना? इनहिबिट करना। एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एक क्या है? आपका एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है जो कि क्या करता है कि एंटी मस्करिनिक एक्टिविटी को शो करता है। तो ये क्या कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर का मतलब क्या है कि जो एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन होता है उसमें कोलिन को क्या करता है? ये एसिटाइल कोलिन को यानी कि जो एसिटाइल वाला जो पोर्शन है उसको इनहिबिट कर देता है। कैसे करता है ये देखिए, क्या लिखा है? एसिटाइल कोलिन स्टीरेज इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन विच कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। क्या है एसिटाइल कोलिन? एक स्टीरेज है जो क्या करता है? कैटलाइज करता है इसको एसिटाइल कोलिन के हाइड्रोलिसिस में, यानी कि एसिटाइल कोलिन का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो उसमें एज द कैटलिस्ट ये क्या करता है? काम करता है, ठीक। एसिटाइल कोलिन स्टीरेज टू इंपॉर्टेंट दो साइट होते हैं, टू इंपॉर्टेंट साइट्स। एक साइट होता है एनायनिक साइट एंड एक होता है स्टेरेटिक साइट। एनायनिक साइट यानी कि जो नाइट्रोजन वाला होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला, क्योंकि एन पे क्या है? प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये कैटायनिक हुआ, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? कैटायनिक, और माइनस चार्ज का मतलब होता है एनायनिक। तो इसमें दो साइड्स होते हैं, किसका? एसिटाइल कोलिन स्टीरेज की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है? एसिटाइल कोलिन का है, एसिटाइल कोलिन का है ये स्ट्रक्चर। एसिटाइल कोलिन में क्या होता है? एक कैटायनिक हेड होता है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था एसएआर में, एक कैटायनिक हेड होता है और बाकी यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या होता है आपका? एस्टर वाला, ठीक है, एस्टर। यहाँ पे भी तो एसिटाइल कोलिन की स्ट्रक्चर में क्या बता रहा है कि इसमें दो इंपॉर्टेंट साइट्स होते हैं, एनायनिक साइट एंड एस्टरेटिक साइट। एनायनिक साइट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है जो कोलिन स्टीरेज है वो क्या करता है? एसिटाइल कोलिन के हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है। तो जब इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करता है? रिएक्ट करेगा, जिसके वजह से इसका इनहिबिशन या उसका हाइड्रोलिसिस परफॉर्म होगा। तो एसिटाइल कोलिन में कैटायनिक चार्ज होता है और एसिटाइल कोलिन स्टीरेज में आपका एनायनिक चार्ज होता है, ठीक है। एनायनिक साइट एंड स्टेरेटिक साइट होता है। द एनायनिक साइट प्रोसेस अ ग्लूटामेट रेसिड्यू। जो एनायनिक साइट होता है वो क्या होता है? ग्लूटामेट रेसिड्यू होता है। और जो स्टेरिक साइट होता है वो हिस्टिडीन इमिडाजोल रिंग होता है, हिस्टिडीन इमिडाजोल रिंग होता है। और सेरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप और प्रेजेंट, और उसमें एक सेरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। इमिडाजोल ग्रुप ऑफ द हिस्टिडीन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हिस्टिडीन का जो इमिडाजोल ग्रुप है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और फॉर्म क्या करता है? सेरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, किस पे? एस्टरिक साइट पे, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक। जिसके वजह से क्या होता है? एक न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक साइट क्या होता है? क्रिएट होता है, परफॉर्म होता है। द एनायनिक साइट ऑफ एंजाइम बाइंड्स टू द क्वार्टरनरी नाइट्रोजन ऑफ द एसिटाइल कोलिन। एनायनिक साइट ऑफ द एंजाइम यानी कि जो एसिटाइल कोलिन स्टीरेज का जो एनायनिक साइट है वो एसिटाइल कोलिन के किसके क्वार्टरनरी अमोनियम नाइट्रोजन साइट पे क्या करता है? बाइंड करता है, ठीक है। जो एनायनिक साइट है किसका? एसिटाइल कोलिन स्टीरेज का, वो किससे बाइंड करता है? एसिटाइल कोलिन के क्वार्टरनरी नाइट्रोजन यानी कि इस वाले पे क्या करता है? बाइंड करता है, ठीक है। एंड हाइड्रोफोबिक फोर्स के साथ, हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेट। वाटर हेट का मतलब क्या? यहाँ से क्या होगा? वाटर रिड्यूस होगा, ठीक है। वाटर यानी कि हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे बताया है कि हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है, तो यानी कि यहाँ से क्या होगा? एक वाटर रिप्लेसमेंट होगा, क्या है? देखिए H2, फिर रिजल्टिंग इनटू अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन स्टेट इज अ रिस्क व्हिच रिजल्ट इन सेरीन एसिटाइलेशन एंड द लॉस ऑफ द फ्री कोलिन।
सेरिन एस्टालेशन का रिजल्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका कोलिन फ्री हो जाता है। द एस्टाइल ग्रुप बाइंड्स टू द हिस्टिडीन एज एन एसिटेट नाइट्रोजन एसिटेट बट इज हाइड्रोलाइज रैपिडली यील्ड फ्री कोलिन एसिटेट एंड फ्री एंजाइम। यानी कि ये आपका क्या है एस्टाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है प्लस क्या है वाटर। ठीक, एस्टाइल कोलिन स्टीरेज के प्रेजेंस में से क्या हो रहा है हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो इसमें यही बताया कि जो एस्टाइल कोलिन स्टीरेज क्या करता है इसी को इनहिबिट करता है। किसको? एस्टाइल कोलिन को। एस्टाइल कोलिन को इनहिबिट करने में इनहिबिटर का मतलब क्या होता है एस्टाइल कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर। यानी कि सिंपल से ये बात कह सकते हैं कि जो एस्टाइल कोलिन है एस्टाइल कोलिन के हाइड्रोलिसिस में ये हेल्प करता है कौन एस्टाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम। और हम क्या पढ़ रहे हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो क्या होता है कोलिन एस्टाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम का इनहिबिटर। यानी कि कोलिनर्जिक जो एगोनिस्ट होते हैं कोलिनर्जिक जो ड्रग होते हैं वो इस एंजाइम को क्या करते हैं इनहिबिट करते हैं। यानी कि जब इसको ये इनहिबिट कर देगा तो जब इसको इनहिबिट करेगा तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो कोलिन फ्री हो रहा है जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड आपका अलग हो गया ये वाला आपका अलग हो गया तो वो चीज नहीं हो पाएगी। जब वो चीज नहीं हो पाएगी यानी कि उसकी वजह से वो अपना कोलिनर्जिक इफेक्ट को क्या करेगा शो करेगा। एस्टाइल कोलिन क्या होगा अपने कोलिनर्जिक इफेक्ट को शो करेगा। अगर ये चीज इनहिबिट नहीं होता है अगर इनहिबिट नहीं होता है तो अपने एक्टिविटी को शो करेगा और इनहिबिट हो जाएगा तो एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। तो सिंपली से यहाँ पे जो कोलिन स्टेज इनहिबिटर का बता रहा है कि जो कोलिनर्जिक ड्रग होती है वो इसके एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जिसके वजह से एस्टाइल कोलिन का जो मेन प्रॉपर्टी यानी एज अ टीज आपका एस्टाइल कोलिन रहता है। अगर एस्टाइल कोलिन स्टीरेज रहेगा तो वो इसको क्या करेगा तोड़ देगा ब्रेक डाउन कर देगा जिससे क्या होगा कोलिन आपका फ्री हो जाएगा एसिटेट फॉर्म आपका अलग हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या करना है इसको रोकना है एस्टाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम को क्या करना है रोकना है वो कि इससे जा करके बाइंड ना कर इसका हाइड्रोलिसिस ना होने दे। उसी को हम लोग रोकने के लिए कोलिनर्जिक ड्रग का यूज करते हैं जो एज द स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। ठीक है, एस्टाइल कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर यानी कि जो इनहिबिटर है वो क्या हुआ कोलिनर्जिक ड्रग हुआ एगोनिस्ट हुआ आपका स्टिमुलेटेड ड्रग हुआ। ठीक है, कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर हैव बीन यूज्ड क्लिनिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मायस्थेनिया ग्रेविस। जो कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर है मायस्थेनिया ग्रेविस ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। अगर इस एंजाइम को इनहिबिट नहीं करेंगे तो उससे क्या हो सकता है ये भी कह सकते हैं क्लियरली अगर एस्टाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम को हम इनहिबिट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा मायस्थेनिया ग्रेविस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जबकि हमको क्या करना है उस डिजीज का ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट तभी होगा जब हम इस एंजाइम को बनने नहीं देंगे। इस एंजाइम को हमको इनहिबिट करना है और जब इनहिबिट करेंगे तो वो किसके ट्रीटमेंट में काम आएगा मायस्थेनिया ग्रेविस में वो यूजफुल होगा हेल्पफुल होगा। दे आर द ऑल्सो एम्प्लॉयड टू ट्रीट ग्लैकोमा एंड मोर रिसेंटली इन द अल्जाइमर्स डिजीज में भी ये हेल्पफुल होता है। इन एडिशन कोलिनर्जिक इनहिबिटर आर द वाइडली यूटिलाइज्ड एज द पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड की तरह भी हम लोग उसको यूज करते हैं। इफ द मिस यूज कैन प्रोड्यूस टॉक्सिक रिस्पॉन्स इन मैमल्स एंड मैन अगर इसका मिस यूज करते हैं इस ड्रग का मिस यूज करते हैं तो क्या होता है मैमल्स और मैन में क्या टॉक्सिक इफेक्ट को शो करता है। ये था आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द किसका कोलिनर्जिक ड्रग का या एस्टाइल कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर का। ठीक है, अब इसके दो क्लासेस हैं जो इनहिबिट करते हैं सेवरल क्लासेस आर एजेंट दैट इनहिबिट एस्टाइल कोलिन स्टीरेज रेजिंग एस्टाइल कोलिन लेवल इन द साइनेप्स। यानी कि ऐसे क्लासेस हैं जिनको डिफाइन किया गया क्लासिफाइड किया गया किसके बेसिस पे कि जो कि क्या करते हैं एस्टाइल कोलिन स्टीरेज को इनहिबिट करते हैं और एस्टाइल कोलिन के लेवल को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं बढ़ाते हैं। तो पहला है रिवर्सिबल एंटी कोलिन स्टीरेज ठीक है, तो यहाँ देखिए रिवर्सिबल एंटीकोलिन स्टीरेज में क्या है ऑल दीज ड्रग आर स्ट्रक्चरली असेंबल टू द कोलिन स्टीरेज एंजाइम एंड हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर द एक्टिव साइट विच रिजल्ट इनटू अ टेम्पररी इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम।
ठीक है। रिवर्सिबल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का मतलब क्या है कि वो कोली एंटीकोलिनर्जिक एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट तो करेगा, फिर कुछ देर बाद फिर वो वापस बनने लगता है, यानी ये टेम्पररली परमानेंटली वो इनहिबिट नहीं हो रहा है। रिवर्सिबल का मतलब क्या, वो हटा फिर कुछ देर बाद फिर वो अपने ही पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, टेम्पररी आपका क्या नाम है, परमानेंटली ये इनहिबिट नहीं करता है। तो इसके लिए कौन कौन से एग्जाम्पल है, कार्बामेट्स, कार्बामेट्स आर द प्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग जनरल फॉर्मूला, ये आपका कार्बामेट्स, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कार्बामेट्स क्या होता है, जो कार्बामिक एस्टर से हम लोग क्या करते हैं, कार्बामिक एस्टर से ये परफॉर्म होता है, बनता है, जैसे कि एस्टाइल कोलीन है तो इसमें एसिटिक एसिड एस्टर का यूज होता है, और इसमें कार्बामेट्स में क्या है, कार्बामिक एसिड एस्टर का यूज होता है। तो कार्बामेट्स में क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन एक साथ रहते हैं, तो वही होता है आपका क्या, कार्बामेट्स होते हैं। अब इसमें क्या है कि वेयर आर, यहाँ पे तीन ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे क्वाटरनी अमोनिया क्या है, ये क्वाटरनी अमोनियम के फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एस्टाइल कोलीन है, यहाँ पे कार्बन रहता था, और कार्बामेट्स में क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है, तो उसी वजह से क्या होता है, कार्बामेट्स या कार्बामिक एस्टर से परफॉर्म होता है आपका क्या, कार्बामेट्स, आर आर वन और आर टू, ठीक है। आर आर वन और आर टू एंड क्या है, तीनों ही यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है या एल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। और आर थ्री क्या, एरोमेटिक अमीन, आर आर वन और आर टू आपको क्या है, एल्काइल ग्रुप होगा या हाइड्रोजन होगा, और ये जो आपका आर थ्री है ये वाला, ये क्या होगा, एरोमेटिक अमीन रिंग्स कंटेनिंग क्वाटरनरी नाइट्रोजन, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये वाला, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे होगा। बस कार्बन में इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो कार्बन के साथ यानी कि एसिटिक एसिड एस्टर था, वहां पे क्या होगा, कार्बामिक एस्टर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, बाकी सारी सेम सेम स्ट्रक्चर है। अब आता है आप, एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दिया है फाइसोस्टिग्मिन, ठीक है। फाइसोस्टिग्मिन के बारे में पढ़ना था हम लोग को, इसमें क्या है पढ़ना है कि उसका यूजेस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। और सिंथेसिस में बस हम लोग को नियोस्टिग्मिन की सिंथेसिस डिस्कस करनी है, तो सिंथेसिस हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब फाइसोस्टिग्मिन में क्या है, फाइसोस्टिग्मिन इज अ टर्शियरी अमीन, इज एन अल्कलाइड ऑब्टेन फ्रॉम द कैलाबार बीन ऑफ द वेस्ट अफ्रीका, माने कैलाबार बीन है, यानी कि एक बायोलॉजिकल सोर्स है ये, ठीक है। उससे उससे इस अल्कलाइड को, फाइओस्टिग्मिन क्या है, अल्कलाइड को क्या कहते हैं, डिराइव करते हैं, ये एक तरीके का क्या है, अल्कलाइड्स है, ठीक है, जिसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है फाइसोस्टिग्मिन, जो कि क्या है, इसमें टर्शरी अमीन होता है, ये देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, एक तो टर्शरी अमीन होता है ये, ठीक। अब इसमें क्या केमिकली, इट इज 1 2 3 3 अल्फा 8 8 अल्फा हेक्सा हाइड्रो 1 3 अल्फा 8 ट्राई मिथाइल पैरोल 2 3 बी इंडोल 5 फोल मिथाइल कार्बामेट, यानी इसका ये क्या है, आईपीएससी नेम है, काफी लेंदी है, ठीक है। फाइसोस्टिग्मिन इज अवेलेबल एज फाइसोस्टिग्मिन सैलिसिलेट, सैलिसिलेट के फॉर्म में ये क्या रहता है, अवेलेबल होता है, और फाइसोस्टिग्मिन सल्फेट के फॉर्म में, जो फाइसोस्टिग्मिन है इसका दो आपका डेरिवेटिव है, एक सैलिसिलेट है और एक सल्फेट है, इन दोनों के फॉर्म में क्या अवेलेबल रहता है। फाइसोस्टिग्मिन का प्रॉपर्टी देखिए, कलरलेस कलरलेस ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्लाइटली सॉल्युबल इन द एल्कोहल ईथर वाटर एंड फ्रीली सॉल्युबल इन द क्लोरोफॉर्म, ठीक है। यानी कि फाइसोस्टिग्मिन क्या, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब सॉल्युबल किस में होता है, एल्कोहल में, ईथर में और वाटर में, बट फ्रीली सॉल्युबल किस में होता है, क्लोरोफॉर्म में। तो ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, फीचर्स के कलर के बेसिस पे कलरलेस है, और स्मेल के बेसिस पे ये ऑर्डरलेस है। फाइसोस्टिग्मिन डिकम्पोज ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर, यानी कि एयर के कांटेक्ट में जब आता है ये क्या है, तो डिकम्पोज हो जाता है, और लाइट यानी एयर और लाइट से दोनों से ही इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो यानी कि इसका कंटेनर कैसा होगा, टाइटली होगा, तो फिर इट शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट, ठीक है।
physostigmin is prepared from the powder seed of the physostigma venonum. ये क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है, इसका ये नाम दिया है, बाय द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एंड विद हॉट, यानी कि ये आपका कोग्नोसिस से रिलेटेड है कि फाइसोस्टिग्मिन को हम कैसे डिराइव करते हैं, कैसे आइसोलेट करते हैं, ठीक है, तो इसको अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं और उसके लिए हम क्या लेते हैं, कालाबाग बीन लेते हैं और उससे इसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, फिर डिस्टिल, ये मैंने आपका प्रिपरेशन दिया है कि किस तरीके से हम फाइसोस्टिग्मिन को प्रिपेयर करते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. मेन आपका क्या है, फाइसोस्टिग्मिन का क्या फीचर है, आईपीएससी नेम, देन उसका केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या यूज, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर, देन इसका बायोलॉजिकल सोर्स, मैंने कहाँ से इसको डिराइव करते हैं, तो जैसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से, हॉट अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू हम फाइसोस्टिग्मिन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. फिर यहाँ दिया है फाइसोस्टिग्मिन रिवर्सिबल इनहिबिट एस्टाइलकोलिन स्टीरेज, ठीक है, ये रिवर्सिबली इनहिबिट करता है एस्टाइलकोलिन स्टीरेज को, रिजल्ट इन द पोटेंशिएशन ऑफ द कोलिनर्जिक एक्टिविटी एंड इट स्टिमुलेट द मस्कारेनिक एंड निकोटिनिक साइट्स ऑफ द एएनएस. वैसे भी आपका जो कोलिन होता है, एस्टाइलकोलिन होता है मस्कारेनिक रिसेप्टर्स के लिए क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है, मस्कारेनिक रिसेप्टर्स के लिए क्या होता है, एक्टिव होता है, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जो एस्टाइलकोलिन स्टिमुलेट करता है किसको, मस्कारेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स ऑफ द एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड निकोटिनिक रिसेप्टर ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. एस्टाइलकोलिन स्पेशली किसके लिए होता है, निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके लिए ज्यादा एसेंशियल होता है, ज्यादा पोटेंट होता है. फाइसोस्टिग्मिन हैज बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, यानी इसका यूजेस किस में है, ग्लैकोमा, एट्रोपिन इंटॉक्सिकेशन एंड ओवरडोज ऑफ द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट. यानी कि फाइसोस्टिग्मिन का यूज किस में होता है, ग्लैकोमा में. आपको पता है ग्लैकोमा क्या है, आई से रिलेटेड डिजीज है. एट्रोपिन टॉक्सिकेशन, यानी कि एट्रोपिन जो ड्रग हम लोग लेते हैं उसके वजह से जो भी टॉक्सिसिटी रिड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है, उसमें हेल्प करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए फाइसोस्टिग्मिन को दिया जाता है. एंड अगर उसका ओवरडोज हो जाता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि जो हम लोग नार्कोटिक्स ड्रग है, एनर्जेटिक ड्रग है, ठीक है, उसके वजह से उसमें ट्राइसाइक्लिक होता है ना, डाइसाइक्लामीन, ये सारी ड्रग थी ना एट्रोपिन का, हम लोगों ने पढ़ा था अभी, प्रोसाइक्लामाइन, प्रोसाइक्लाडीन, उसमें तीन साइकिल्स होते हैं, तो उसकी बता रहा है कि उसके वजह से जो भी ओवरडोज हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फाइसोस्टिग्मिन का यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारा ड्रग अब आता है नियोस्टिग्मिन. नियोस्टिग्मिन में क्या है कि नियोस्टिग्मिन इज अ कोलिनर्जिक कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर. यूसी के बारे में हम लोग सारा डिस्कस कर रहे हैं कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर के बारे में, तो नियोस्टिग्मिन क्या है, कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर है, जो कि केमिकली इसका क्या नाम दिया है, नियोस्टिग्मिन इज अ 3-dimethyl कार्बोक्सिल एंड एन ट्राइमिथाइल मिथाइलिन. यानी कि यहाँ पे क्या है, ये कार्बामेट्स के डेरिवेटिव्स हैं, तो यहाँ पे एन के साथ इसका एस्टरीफिकेशन है, यानी नाइट्रोजन के साथ है, और यहाँ पे एन एंड ट्राइमिथाइल एनिन, यानी कि एनिलीन होता है ना व्यंजन के साथ जब NH2, तो उसको क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं, तो वही बता रहा है यहाँ पे ट्राइमिथाइल एनिलीन नाइट्रोजन है और उस पर क्या 3-methyl ग्रुप आपके अटैच, यानी कि क्वार्टरनरी अमोनियम के फॉर्म में है. नियोस्टिग्मिन इज अवेलेबल एज अ ब्रोमाइड एंड मिथाइल सल्फेट सॉल्ट. ब्रोमाइड यानी नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड के फॉर्म में होता है, नियोस्टिग्मिन सल्फेट के फॉर्म में ये होता है. नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड इज अ कलरलेस एंड व्हाइट कलर, कलरलेस होता है और व्हाइट कलर होता है, या व्हाइट कलर होगा. ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और वाटर में सॉल्युबल एंड एल्कोहल और ईथर में ये क्या सॉल्युबल होता है. इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट, ठीक है, भी कलरलेस होता है, वाई या तो व्हाइट कलर का होगा या तो कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होगा, वाटर में सॉल्युबल, एल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल होता है और प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट. ये इसकी सिंथेसिस है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नियोस्टिग्मिन की सिंथेसिस, ठीक है. ये आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है, ये आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट मतलब ड्रग है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराई गई है,
क्या निकला है यहाँ से, HCl निकल गया है, और बाकी ये वाला Cl और ये वाला H, ये वाला H, ये वाला Cl रिड्यूस हुआ है, बाकी चीज क्या हो गई आकर के यहाँ पे अटैच हो गई। ठीक, फिर इसकी सिंथेसिस CH3 भी मिथाइल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका क्वार्टरनरी अमोनिया, यानी कि ये CH3 है आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा और Br उसका नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड के फॉर्म में होगा, बाकी सारा सेम। तो बहुत ही सिंपल सी ये सिंथेसिस है, वन एक स्टेप की है कि सिंपली प्राइमरी प्रोडक्ट लिया है सेकेंडरी, और दोनों के बीच में रिएक्ट करा, दोनों एक दूसरे में क्या हो गया एडिशन, यहाँ पे कैसे कहते हैं एडिशन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन है, और वहां से फिर इसका बी ब्रोमिनेशन कराया किसके साथ, मिथाइल ब्रोमीन के साथ, और उसकी वजह से क्या हमारा बन गया नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड। क्या लिखा है, नियोस्टिग्मिन सिंथेसाइज फ्रॉम द 3-हाइड्रोक्सी एन एंड डाई मिथाइल अमीन, 3-हाइड्रोक्सी एन एंड डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है, सिंपल की सिंथेसिस है। नियोस्टिग्मिन इनहिबिट बोथ एस्टाइल कोलिन स्टीरेज एंड ब्यूटाइल कोलिन स्टीरेज, ये दोनों को इनहिबिट करता है, एस्टाइल कोलिन स्टीरेज को भी और ब्यूटाइल कोलिन स्टीरेज को भी, ये क्या करता है इनहिबिट करता है, जबकि कौन सा इनहिबिशन होता है रिवर्सिबल ही होता है, कि किसी के कैटेगरी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड पोटेंशिएट निकोटिनिक एंड मस्कारिनिक इफेक्ट ऑफ द एस्टाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन का जो निकोटिनिक रिसेप्टर के अकॉर्डिंग जो भी इफेक्ट है, मस्कारिनिक रिसेप्टर्स के लिए जो भी इफेक्ट, उसको क्या करता है पोटेंशिएट करता है, इंक्रीज करता है। इट एग्जिस्ट एंड द इन एग्जिस्ट एज अ एक्शन ऑफ एट फिजियोलॉजिकल पीएच इनहेंसिंग देयर एसोसिएशन विद द एक्टिव साइट, यानी कि जो भी होता है उसके फिजियोलॉजिकल पीएच के अकॉर्डिंग क्या होता है कन्वर्ट होता है। यूजेज इट इज यूज टू द ट्रीट मायस्थेनिया ग्रेविस। ठीक, मायस्थेनिया ग्रेविस कौन सी डिजीज होती है जिसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल वीकनेस हो जाता है, सर्टेन मसल, जब भी हमारे बॉडी का मसल्स होता है उसका एबनॉर्मलिटी आ जाती है, काफी वीकनेस हो जाता है, जो भी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे आई से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो जो आईलिड्स होती हैं वो आपकी मतलब धीरे छोटी होने लगेंगी या कोलेप्स करने लगेंगी, फिर मतलब मसल्स काफी कमजोर हो जाते हैं, मेमोरी पावर थोड़ा सा वीक हो जाएगा, जो एक्टिविटी होती है, जो हम बॉडी में एनर्जी लेवल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे नर्व सेल्स हैं उनके जो ऑर्गन्स हैं वो भी आपके डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फंक्शन वीकनेस हो जाएगा, आर्म में, लेग्स में, वॉइस में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, या आप स्वेलिंग प्रॉब्लम, यानी जो हम लोग खाते हैं पीते हैं उसमें प्रॉब्लम, स्वेलोइंग डिफिकल्टी हो जाएगी, ये सारे सारे सिम्टम्स हैं आपके इसे मायस्थेनिया ग्रेविस में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितना भी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, इट इज आल्सो यूज टू द ट्रीट कॉन्स्टिपेशन में भी इसका यूज होता है, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्टिनेशन एंड यूरिनरी रिटेंशन में भी ये यूज होता है। अब नेक्स्ट ड्रग है आपका क्या, पायरिडो स्टिग्मिन। पायरिडो स्टिग्मिन क्या है, पायरिडिन एनालॉग ऑफ द नियोस्टिग्मिन, यानी कि इसमें एनिलीन था, अब इसमें क्या है पायरिडो स्टिग्मिन। ठीक है, इज अ पायरिडिन एनालॉग ऑफ द नियोस्टिग्मिन, यानी नियोस्टिग्मिन का क्या है पायरिडिन एनालॉग है। ठीक है, विच इज ऑल्सो यूज फॉर द रिवर्सिबल ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेज। ठीक, एंड नंबर ऑफ द एडवांटेज ऑफ द नियोस्टिग्मिन, यानी नियोस्टिग्मिन से भी ज्यादा इसके एडवांटेज है। ठीक है, और सेम फंक्शनिंग इसकी भी है, ये भी क्या रिवर्सिबल प्रोसेस को शो करता है। अब इसका एग्जांपल फीचर्स क्या है, वाइट होता है, डेलिक्यूशेंट होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, और करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, और बीटर इन टेस्ट होता है, और सॉल्युबिलिटी किस पे बेस है, वाटर में, एल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, सॉल्युबल और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है किसमें, ईथर और पेट्रोलियम। इसको स्टोर कहाँ करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका यूजेज हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो पायरिडो स्टिग्मिन ब्रोमाइड कैन बी सिंथेसाइज बाय द 3-हाइड्रोक्सी 1-फिनाइल पायरिडिन ब्रोमाइड कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, इसको हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, इसकी सिंथेसिस हमको डिस्कस नहीं करनी है, बस इसके बारे में क्या इसका क्या फीचर्स है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है,
ठीक है, इसी के बारे में डिस्कस का ये स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ड्रग यूजेस क्या है इसका, कि ट्रीटमेंट ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस, यानी इसका भी ट्रीटमेंट क्या माइस्थेनिया ग्रेविस में हम लोग करते हैं। इट इज आल्सो यूज इन द पैरालिटिक इलिशियस एंड पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन में ये क्या होता है यूज होता है। फिर अब नेक्स्ट आता है कंपाउंड, इसमें क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड, इसमें एग्जांपल क्या है आपका इडोरोफोनियम, जिसके बारे में हम लोगों को सिलेबस में दिया है मेंशन है, ठीक है। तो क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड का मतलब क्या कि नाइट्रोजन के चार ग्रुप क्या अटैच है, ठीक है। तो क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड इनहिबिट द एंजाइम रिवर्सिबल बाय आइदर बाइंडिंग विद द स्टेरेटिक साइट या साइट स्पेशली रिमूव्ड टर्म्ड एज द पेरिफेरल एनायनिक साइट, यानी कि जो क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड है वो इनहिबिट करता है, ये वाला जो पोर्शन है क्या करता है इनहिबिट करता है किसको स्टीरेज एंजाइम को, या तो वो स्टेरेटिक साइट से जाकर के बाइंड कर जाएगा या तो वो इस पे या तो एनायनिक साइड पे जाकर उसको रिमूव करेगा, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ देगा, ठीक है। तो ये उसके बेसिस पे है क्वार्टरनरी, यानी इससे के थ्रू आपका क्या हो रहा है एक्शन हो रहा है, ठीक है। या तो ये तोड़ या स्टेरिक साइड पे जाकर बाइंड करेगा या तो जो उसका एनायनिक साइड उस पे जाकर के बाइंड करेगा, ठीक है। फिर इरिट्रोपोनियम क्या इज अवेलेबल एज इड्रोफोनियम क्लोराइड, इड्रोफोनियम क्लोराइड, इड्रोफोनियम क्लोराइड इज इथाइल एम हाइड्रोक्सिल फिनाइल डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये इसका क्या आईपीएससी नेम है। इट इज अ वाटर सॉल्युबल एंड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है। इड्रोफोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द मेटा डाइमिथाइल अमीनो फिनाइल, ये इसकी सिंथेसिस दी है, ठीक है, कैसे ये सिंथेसाइज होता है, ठीक है। इड्रोफोनियम क्लोराइड इज एंटी एस्टाइल कोलिन स्टीरेज एजेंट, यानी कि जाहिर सी बात है एंटी एस्टाइल कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर का मतलब क्या हुआ एंटी एस्टाइल कोलिन एजेंट स्टीरेज एजेंट। तो उसी के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसका पहला फीचर यूज तो यही होगा कि ये एंटी कोलिनर्जिक स्टीरेज एस्टाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम क्या करता है इनहिबिट करता है, विच इज द रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही मतलब तो बहुत जल्दी अपने एक्शन को शो करता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है शॉर्ट होता है। इड्रोफोनियम बाइंड्स रिवर्सिबली एंड सेलेक्टिवली टू द एक्टिव सेंटर, ठीक है। These reversible binding and its rapid renal elimination result in its short duration of action. It is also used in a myasthenia gravis. Myasthenia gravis में यह क्या होता है useful होता है। अब next drug आती है हमारी अम्बेनियम, जो हमारे सिलेबस है बस हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अम्बेनोनियम, अम्बेनोनियम, अम्बेनोनियम ऑकर्स एज अम्बेनियम क्लोराइड, यानी कि इसका जो फॉर्म होता है अम्बेनोनियम क्लोराइड के फॉर्म में, जैसे और सप्ताह नियोस्टेगनी था ब्रोमाइड के सल्फेट के फॉर्म में आता था, तो इसका जो आपका रहेगा प्रिपरेशन वो किस फॉर्म में रहेगा क्लोराइड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। केमिकली इट इज ऑक्सैली बिस इमिनो इथाइलिन बिस ऑर्थोक्लोरोबेंजाइल डाई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये इसका स्ट्रक्चर है, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज अ व्हाइट कलर ऑर्डरलेस एंड वाटर सॉल्युबल सॉलिड होता है, ठीक है। अम्बेनोनियम इज अ यूज, ये भी क्या होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज होता है और सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ द एस्टाइल कोलिन स्टीरेज, ठीक, एंजाइम सेम थिंग है, यहाँ पे भी वो एंजाइम को इनहिबिट करने में ये हेल्प करता है। ये बस आपको बस इतना जान जाए कि ये स्ट्रक्चर है इसका, ये वाटर व्हाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है और सॉल्युबिलिटी इसी क्या होती है वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है। अभी तक हम लोग ने क्या पूछा रिवर्सिबल पढ़ रहे थे, अब हमारा नेक्स्ट आता है कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसे तरीके से इनहिबिट करेगा कि वो दोबारा वहां पे एस्टाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम अपना प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा,
तो यहाँ पे क्या ऑर्गेनिक एस्टर ऑफ द, इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट डेरिवेटिव से ऑर्गेनिक एस्टर ऑफ द फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड ऑर्गेनिक एस्टर होता है जो इनहिबिट करता है क्या, एस्टरकोलिन एस्टरेट एंजाइम को, ठीक है। यूज इन इंसेक्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड्स के लिए यूज था, ये क्या है, इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज करते हैं। जो रिवर्सिबल वाला था वो पेस्टिसाइड में यूज होता है, और ये वाला क्या है, इंसेक्टिसाइड में यूज करते हैं एज द इन एग्रीकल्चर फॉर्म में। ऑर्गेनोफॉस्फेट इज रिवर्सिबल, बाइंड्स टू, बाइंड एस्टाइल कोलिन स्टेरेज। ऑर्गेनोफॉस्फेट इज रिवर्सिबली बाइंड एस्टाइल कोलिन स्टेरेज। दिस कंपाउंड फॉर्म रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करता है विथ एंजाइम एट द स्टेरेटिक साइट, यानी कि स्टेरेटिक जो साइट होता है उसके उस पे जाके कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्म करता है। रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स देन इमीडिएटली कन्वर्ट टू द अन ए रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स। जो रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स होता है उसको इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स में क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब फॉस्फेट यहाँ पे पी है, उसके साथ कोई एक्स का यानी कि ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। आर और आर वन कोई डेरिवेटिव है, और ए आपका क्या, ऑक्सीजन या सल्फर या सेलिनियम। आर वन और आर टू यानी कि एल एलकॉक्सी एलकॉक्सियल या एल्काइल या टर्शरी अमीन यहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है। आर वन पे और आर टू पे क्या, टर्शरी अमीन, सेंटर वाला आपका है फॉस्फेट, ए पे क्या है आपका, ऑक्सीजन या सल्फर, ठीक है। और एक्स आपका क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, जैसे फ्लोरीन हो गया, साइनाइट हो गया, ठीक। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड कैन इंटर द ह्यूमन बॉडी एंड स्किन एब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, इनहेलेशन, इंजेशन, थ्रू स्किन एब्जॉर्प्शन, इनहेलेशन एंड इंजेशन के थ्रू क्या होता है, बॉडी में इंटर करता है एंड अफेक्ट करता है किसको, कोलिन स्टीरेज एक्टिविटी को, बोथ रेड ब्लड आरबीसी में एंड ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। एक्ट डायरेक्टली ऑन इन कॉम्बिनेशन विद द अदर एंजाइम ऑन कोलिन स्टीरेज इन द बॉडी। आर्गेनो जो फास्फेट है वो इंसेक्टिसाइड्स की तरह एक्ट करता है, जो किस तरह बॉडी में इंटर करता है, या तो थ्रू द स्किन एब्जॉर्प्शन या इनहेलेशन प्रोसेस के थ्रू या इंजेशन से, ठीक है। कैन अफेक्ट कोलिन एस्टरेज एक्टिविटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है किसमें, आरबीसी में एंड ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। और ये एक्सीडेंटल एंड सर्जिकल इंटॉक्सिकेशन में भी ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक। मे बी लीड्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट, सीएनएस इफेक्ट को भी लीड्स करता है, न्यूरोमस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में भी हेल्पफुल होता है, ब्रोंकोरिया में, ब्रोंकोस्पास्म में, पल्मोनरी एडिमा में, ब्रैडीकार्डिया, सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड डिप्रेस कार्डियक फंक्शन, इन सारे चीज में क्या करता है, लीड करता है कोलिन स्टीरेज एंजाइम को। एग्जाम्पल, अगर ड्रग इज अ ग्रुप, इकोथिफेट, प्रालिडॉक्सिम, मेलाथियोन, पैराथियोन, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, इकोथियोपेट एंड मेलाथियोन के बारे में, ठीक है। तो आपके सिलेबस में मेंशन है इकोथिएट एंड मेलाथियोन एंड पैराथियोन। इकोथिपिएट में क्या है, इकोथिपिएट इज अ ऑर्गेनिक फॉस्फेट है अवेलेबल एंड इकोथिपियोट आयोडाइड के फॉर्म में क्या रहता है, अवेलेबल होता है। ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है, इसका क्या है, इस नेचर कि ये आयोडाइड फॉर्म में होता है, वाइट क्रिस्टलाइन करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक। ये लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल है एंटी एस्टाइल कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर, ठीक है, यानी नहीं सॉरी, एंटी एस्टाइलकोलिन स्टीरेज ड्रग, ठीक, एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लैकोमा, ये ग्लैकोमा में यूज होता है। और रिवर्सिबल वाला आपका क्या था, माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज करते थे। फिर आता नेक्स्ट आपका ड्रग है मेलाथियोन, मेलाथियोन इज एन अदर इफेक्टिव पेस्टिसाइड, ये पेस्टिसाइड है, ठीक है। ऑर्गेनिक फॉस यहाँ पे क्या इंसेक्टिसाइड था, पर यहाँ पे जो मेलाथियोन है एज द पेस्टिसाइड है मोर इफेक्टिव ऑन द इंसेक्ट ऑन ह्यूमन देन ह्यूमन, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर करता है फॉस्फेट का और वर्ली कैरियड आउट द इंसेक्ट। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, टू डाई मिथॉक्सी फॉस फिनोथियोल
थियाल, थायो ब्यूटा नेडियोकिक एसिड, डाइथाइल एस्टर, ये इसका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अवेलेबल इन लाइट में अम्बर कलर होता है इसका और सल्फर लाइक कलर होता है, ठीक है। ये पुअर इवर्सिबल है, पुअर है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर है फॉर कोलिनेस्टरेज एंजाइम के लिए, पुअरली है मतलब ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, पुअरली इनहिबिटर है कोलिनेस्टरेज एंजाइम के लिए वर्क करता है, ठीक है। और ये लाइट अम्बर कलर का होता है, यूज क्या होता है, कंट्रोल द इंसेक्ट ऑन द वेजिटेबल फ्रूट्स एंड सीरियल एंड क्रॉप्स, तो कंट्रोलिंग इंसेक्ट अफेक्टिंग मैन एंड एनिमल्स। फिर नेक्स्ट आता है आइसो फ्लूरो फ्लोरफेट, आइसो फ्लोरफेट में भी क्या है, ये भी ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ठीक है। ये बाइंड करता है किस एस्टाइलकोलिनेस्टरेज से और इनहिबिट करता है इसको, इरिवर्सिबल फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है और वाटर मिसिबल लिक्विड होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। यूज क्या है, ये भी किस में है, तो यूज होता है ग्लैकोमा में। एंड लास्ट क्या है, पैराथियॉन, पैराथियॉन इज ऑर्थो ऑर्थोडाइथाइल वो पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्थियोन, इसका ये क्या है केमिकली नेम है। इट इज अ वीक कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, वीक होता है और ये कहाँ ब्राउन कलर लिक्विड में पाया जाता है, कलर के फॉर्म में पाया जाता है, ये काफी वीक होता है, ठीक है। अब